दोस्तों, कैसे आप सब। जैसे कि आप लोग ने टाइटल में देख लिया हो कि मैं आज एक डुप्लेक्स का प्लान लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनका जो एरिया है वो है 40x40 का एरिया है। तो इसमें मैंने एक डुप्लेक्स का प्लान उनको दिया है। उनको बहुत एक डुप्लेक्स चाहिए। उनका छोटा सा फैमिली है, उनके दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, सॉरी एक लड़के हैं और लड़की हैं, और वो और उनकी वाइफ एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए एक प्लान मैंने बनाया है जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक यहाँ पे इनका ये स्पेस हो गया, तो एक छोटा सा दो तीन स्टेप है, उसके बाद एक बरांडा आता है। बरांडा का एरिया है 13 फीट 1 इंच बाई 7 फीट 10 इंच। यहाँ से एक मेन एंट्रेंस है जहाँ पे डाइनिंग हॉल और लिविंग एरिया है, जो कि 13 फीट 4 इंच 12 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 6 इंच का है, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा स्पेस है। इसके जस्ट सामने एक रूम है जिसका साइज़ है 12 फीट 14 इंच 12 फीट बाई 14 फीट है, और इधर एक रूम है जो कि मास्टर बेडरूम है, उसका भी साइज़ है 12 फीट बाई 14 फीट। तो ये मास्टर बेडरूम है जो कि उन्होंने अपने लिए रखा है, और ये जो एरिया है उन्होंने गेस्ट के लिए रखा है, और ये जो एक कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज़ है 9 फीट 8 इंच बाई 5 फीट का है, ये स्टेयरकेस है। और ये किचन है जो कि काफ़ी स्पेसियस, आप लोग देख सकते हैं, इसका साइज़ है 10 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का है, और इधर एक वॉश एरिया छोटा सा दिया गया है जो कि 4 फीट बाई 7 फीट का है। और ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, और इधर एक पार्किंग स्पेस है जो कि ऊपर से एक पोर्चो का डिज़ाइन होगा, आप लोग देख सकते हैं। बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके यहाँ कुछ कुछ क्लाइंट, उनका जो बिजनेस पर्पस से कुछ कुछ लोग आते रहते हैं, तो उनके लिए पार्किंग स्पेस के लिए एक छोटा मोटा जगह मैंने यहाँ डिज़ाइन करा है। और भी स्पेस है इनके पास, तो इनका जो कार है वह यहाँ पे रहेगी, इधर बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह उनका लग सकता है। तो आगे मैं अब बात करता हूँ ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर का हो गया, अब मैं फर्स्ट फ्लोर का बात करता हूँ। जैसे कि मैं सीढ़ी से यहाँ ऊपर आता हूँ, तो सीढ़ी से ऊपर आते ही यहाँ पे कटआउट है, तो जो कि हम लोग ऊपर से नीचे देख सकते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ से। यहाँ पे सेम किचन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक एंट्रेंस या पे एग्जिट पॉइंट है जो कि आपका टेरेस गार्डन होगा, जो कि ओपन होगा पूरी तरह से। और यहाँ एक पूजा रूम छोटा सा दिया गया है, जो कि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि हम को ईशान कोण में ही इनको चाहिए पूजा रूम। ये डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हैं, स्लोप है यहाँ पे, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। जो कि और यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी है 5 फीट का, यहाँ पे विंडो है, और यहाँ पे एक रूम है जो इनका चिल्ड्रन रूम है, जो कि जिसका साइज़ है 12 फीट बाई 14 फीट, और इधर बालकनी है 3 फीट का, और इधर टॉयलेट है, और इधर एक रूम है जो कि इनके एक और लड़के का रूम है, इधर इनकी लड़की का रूम है, और ये रूम हो गया, इसका साइज़ भी है 12 फीट बाई 14 फीट। इधर वार्डरोब हो सकता है, इधर भी वार्डरोब हो सकता है, और इसका भी टॉयलेट यहाँ से अटैच है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा सेपरेट एरिया हो गया है। तो हम लोग देख सकते हैं, आपको भी दिखा सकता हूँ मैं कि किस तरह से मैंने इसको डिजाइन करा है हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं ये आपका प्लान हो गया डुप्लेक्स का, तो ये आपको कैसा लगा प्लान हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बहुत ही मेहनत से मैंने ये प्लान बनाया है, हमारे क्लाइंट को ये पसंद आ गया है ये प्लान, और वो इसी के हिसाब से अपना घर और डुप्लेक्स को बनाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं एक अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो एक फार्म हाउस के ऊपर आएगी, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट है, उनको एक फार्म हाउस चाहिए। उनका छोटा सा गांव में एक घर है, लेकिन उनको एक फार्म हाउस टाइप का एक नया मॉडल देना चाहते हैं, 2 रूम का एक फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, बंगलो टाइप का। जो उस हिसाब से मैं उसको डिज़ाइन अभी कर रहा हूँ, उस फार्म हाउस के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरी टीम उस पर वर्क कर रही है। तो जब वो रेडी हो जाएगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी हमारे इस चैनल पे, तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमें
इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।